नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोन पे से ट्रेन का टिकट कैसे बुक किया जाता है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अगर आप फोन पे यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि अपना फोन पे से ट्रेन का टिकट बुक करना, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपना फोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। वो भी कंफर्म टिकट आपको यहां पे बुक करना सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेवल बुकिंग्स, उसी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस ट्रेन में आपको क्या करना, क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर फ्रॉम, यानी आप जो सफर करना चाहते हैं, यानी ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, यानी कहां से कहां तक। सबसे पहले यहां पे आपको देखने मिलेगा इंटर फ्रॉम, तो आप किस स्टेशन से जाना चाहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर फ्रॉम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको उस स्टेशन को यहां पे आपको फिल अप करना, जिस स्टेशन से अपना ट्रेवलिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं कटिहार से जाना चाहता हूं, जैसे मैं कटिहार एक स्टेशन का नाम फिल करता हूं, जैसे कटिहार लिखूंगा। लिखने के बाद यहां पे आपका स्टेशन का नाम आ जाएगा, जो भी स्टेशन से जाना चाहते हैं देखेंगे, जो कि मेरा कटिहार जंक्शन से है। मैं कटिहार जंक्शन में क्लिक कर लेता हूं। यहां पे सिंपली क्लिक करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंटर टू, यानी कहां तक। जैसे कटिहार से कोलकाता, कटिहार से मुंबई, तो कहां तक जाना चाहते हैं, सिंपली यहां पे देखने मिलेगा इंटर टू। बस क्या करना, सिंपली आपको इंटर टू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको उस स्टेशन को टाइप करना, जिस स्टेशन में आप जाना चाहते हैं, जहां भी जो जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह का यहां पे नाम फिलअप करना। जैसे मैं कोलकाता जाना चाहता हूं, सिंपली मैं यहां पे कोलकाता टाइप करता हूं। जैसे मैं कोलकाता लिखते लिखते यहाँ पे मेरा आ चुका है, हमें देखेंगे कोलकाता हावड़ा जैक्सन हावड़ा, तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस स्टेशन को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसे चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपना कहाँ से कहाँ तक जाने का है स्टेशन, दोनों जगह स्टेशन चूज करने के बाद उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा डिपरेचर डेट। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, यानी किस डेट को ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, किस डेट को अपना ट्रेन टिकट को बुक करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेट में आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे अपना डेट को चूज करना, जैसे मैं यहाँ पे दिसंबर को जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर को आगे कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको जाएगा दिसंबर, तो यहाँ पे आपको इस डेट को जाना था, सिंपली यहां पे अपना डेट को फिल अप करना। जैसे मैं 15 दिसंबर को जाना चाहता हूं, 15 मैं सिंपली इसमें क्लिक करता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं मेरा जो डेट है 15 दिसंबर फिल अप हो चुका। उसके बाद गाइस यहां पे आपको सिंपली क्या करना, नीचे आपको यहां पे देखने मिलेगा सर्च ट्रेन। बस क्या करना, आपको सर्च ट्रेन्स में आपको यहां पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस यहां पे आपको देखने मिल जाएगा, यहां पे देखेंगे सबसे ऊपर में यहां पे ट्रेन नेम और ट्रेन नंबर। यहां पे सबसे पहले ट्रेन नंबर देखने मिलेगा और यहां पे ट्रेन का नाम देखने मिलेगा, कौन सा ट्रेन है। तो यहां पे आप देखेंगे जो कि कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस है। और गाइस यहां पे आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिलेगा सेकंड सेटिंग स्लीपर। तो यहां कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस है, सिर्फ इसमें स्लीपर है, इसमें एसी वगैरह कुछ नहीं है, एसी डब्बा नहीं, सिर्फ स्लीपर डब्बा और सेकंड सेटिंग। उसके बाद गाइस यहां पे आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिलेगा एक गाड़ी और भी, यहां पे जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि यहां पे इसका गाड़ी का नंबर देख सकते हैं 1360, तो यहां देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे आप इधर यहाँ पे देखेंगे तो स्लीपर में भी सीट खाली है, उसके बाद थर्ड एसी में भी खाली है और यहाँ पे सेकंड एसी में यहाँ पे नहीं है खाली। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले चेक करना, जैसे मैं इस गाड़ी में जाना चाहता हूँ, सबसे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि इस गाड़ी का नंबर है 1304, जो कि हाटे बाजारी एक्सप्रेस है। उसका गाइस यहाँ पे देखेंगे स्लीपर में भी सीट खाली है, थर्ड एसी में भी है, सेकंड एसी में भी है। तो यहाँ पे आपको चूज करना, अगर आप यहाँ पे स्लीपर में जाना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अवेलेबल ग्रीन कलर का, आप यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर का जो अवेलेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे लगभग 56 सीट खाली है। जिस डेट को मैं जाना चाहता हूँ उस डेट में 56 सीट खाली है। और यहाँ पे आप देख चेक कर लेंगे कि आपको जो स्लीपर में है अवेलेबल सीट है क्या नहीं। यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का देखने मिलेगा अवेलेबल, तो समझ जाना है कि आपका टिकट यहाँ पे कंफर्म बुक होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू सॉरी ग्रीन कलर का यहाँ पे देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का आता है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि स्लीपर में कितना सीट खाली है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थर्ड एसी में लगभग 6 सीट खाली है, सेकंड एसी में लगभग 5 सीट खाली है। तो यहाँ पे जैसे मेरा स्लीपर में है लगभग 56 सीट खाली है, यानी 56 सीट यहाँ पे बचा हुआ स्लीपर में। तो मैं स्लीपर में सिंपली क्या करेंगे, अगर स्लीपर में जाना चाहते स्लीपर में क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने बाद आपके सामने फिर से इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके फिर से मैं नीचे आ जाना। नीचे आने बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि रिफ्रेश की वजह से मेरा कट गया। तो फिर से मैं इसमें दोबारा स्लीपर में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने फिर से क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि मैं दिसंबर में जाना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को मैं यहाँ पे टिकट को बुक करना चाहता हूँ, लगभग 56 सीट खाली है 15 दिसंबर को। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 17 दिसंबर को लगभग 6 सीट ही खाली है। तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो देखेंगे मैं यहाँ पे जो कि 15 दिसंबर को अवेलेबल है 56 सीट, और इसका जो प्राइस है लगभग 265 यानी 265 रुपया इस टिकट का प्राइस है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा बुक। यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको इस बुक में क्लिक करेंगे। जैसे बुक में क्लिक करेंगे, बुक में क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। तो गाइस
गाइस यहां पे आपको देखने मिलेगा इंटर आईआरसीटीसी यूजर आईडी। यहां पे आपको क्या करना है, अपना आईआरसीटीसी अकाउंट का यूजर आईडी यहां पे आपको फिल अप करना है। तो गाइस अगर आपने अभी तक अपना आईआरसीटीसी में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं, अपना आईआरसीटीसी में यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं किए हैं, तो आपको यहां पे पता नहीं है कि कैसे आप अपना आईआरसीटीसी में अकाउंट बनाएंगे, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना के रखा हूं अपने चैनल पर, मैं डाला हुआ हूं। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पे आपको आईआरसीटीसी अकाउंट बनाने का वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप अपना आईआरसीटीसी में अकाउंट बनाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना आईआरसीटीसी का अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली यहां पे मेरे पास ऑलरेडी आईआरसीटीसी यहां पे यूजर आईडी मेरे पास है, तो यहां पे मैं अपना आईआरसीटीसी का यहां पे यूजर आईडी फिल अप कर लेता हूं। यहां पे अपना आईआरसीटीसी का यूजर आईडी फिल अप करने के बाद यहां पे आपको सिंपली देखने मिलेगा प्रोसीड। बस क्या करना, सिंपली आपको इस प्रोसीड में क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा, यहां पे आपको सेलेक्ट, यहां पे आपको देखने मिलेगा मेल फीमेल। तो यहां पे आपको सबसे पहले चूज कर लेना किसका टिकट बना रहे हैं। मेल का बना रहे तो मेल पे क्लिक करेंगे, अगर फीमेल का बना रहे तो फीमेल में क्लिक करेंगे। सिंपली मैं यहां पे मेल का यहां पे टिकट बना रहा हूं। तो उसके बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा फुल नेम। यहां पे क्या करेंगे, जिसका भी टिकट बना रहे हैं उनका यहां पे नाम फिल अप करना होगा। जैसे मेरा, मैं यहां पे अपना नाम फिल अप कर लेता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, जिसका टिकट बना है उनका नाम फिल अप करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा एज। यहां पे क्या करेंगे, उनका एज फिल अप करेंगे, एज कितना है। यहां पे क्या करेंगे, सिंपली अपना यहां पे अपना क्या करेंगे, अपना यहां पे एज फिल अप करेंगे। एज फिल अप करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा बर्थ प्रेफरेंस। यहां पे क्या करेंगे, इस बर्थ प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको चूज कर लेना, यानी आप जो सीट लेना चाहते हैं, लोअर बर्थ लेना चाहते हैं, मिडिल बर्थ या अपर, यहां पे साइड लोअर। तो यहां पे आपको पता ही होगा कि आप अगर बीच में सीट लेना चाहते हैं, स्लीपर लेना चाहते हैं, यहां पे या ऊपर लेना चाहते हैं, या तो आप बगल में लेना चाहते हैं, तो अपने अनुसार यहां पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। जैसे मैं पे साइड लोअर लेना चाहता हूं, साइड लोअर में यहां पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहां पे आपका जो कि इंडिया पे ऑटोमेटिक पहले से फिलअप रहा था, उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, सिंपली आपको नीचे में देखने मिलेगा सेव। बस क्या करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे। जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका एक पैसेंजर यहां पे आपका सिंपली यहां पे ऐड हो चुका है। अगर आप और भी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको देखने मिलेगा ऐड एडल्ट 5+ ईयर। यहां पे आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके अपना और भी पैसेंजर को यहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे एक ही पैसेंजर को यहां पे ऐड करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूं। यहां पे देखेंगे जो कि मैं एक पैसेंजर को यहां पे ऐड किया, तो यहां पे मेरा नाम आ चुका है, पैसेंजर का नाम आ चुका है। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंटर मोबाइल नंबर। यहां पे क्या करेंगे, सिंपली उस पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो जिसका टिकट बना रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जो भी आपका होगा यहां पे अपना सिंपली अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। देन उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंटर ईमेल आईडी। यहां पे क्या करेंगे, उनका ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जिसका टिकट बना रहे हैं। आप उसका भी ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं, या तो अपना भी ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहां पे अपना ईमेल आईडी कोई सा भी ईमेल आईडी यहां पे आप एक फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने से यह फायदा होता है कि आपका जो टिकट होगा, आपका ईमेल आईडी में भी आपका पीडीएफ पे आपका आ जाएगा, वहां से अपना ईमेल आईडी से अपना पीडीएफ को, टिकट का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए अपना ईमेल आईडी देना नेसेसरी, आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी यहां पे फिल अप करेंगे। यहां पे अपना ईमेल आईडी फिल अप करने के बाद देन आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा, यहां पे आपको देखने मिलेगा नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन। आपको क्या करना, सिंपली गाइस यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, आपको यहां पे सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा प्रोसीड। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे देखने मिलेगा आई रिमेंबर पासवर्ड। बस क्या करना, सिंपली आपको यहां पे आई रिमेंबर माय पासवर्ड में आपको नीचे में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना, सिंपली आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। आपको यहां पे कुछ सेकंड वेट करना। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। यहां पे आपको सारा कुछ देखने मिलेगा, कंफर्म टिकट यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा पे। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस पे में क्लिक करेंगे। जैसे पे में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहां पे आपको क्या करना, अपना फोन पे का यूपीआई पिन टाइप करेंगे। यहां पे अपना सिंपली अपना यूपीआई पिन टाइप कर लेते हैं। यहां पे अपना यूपीआई पिन सही टाइप करने के बाद देन आप यहां पे नीचे देखने मिलेगा राइट का ऑप्शन। बस क्या करना, सिंपली आपको इस राइट में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको लोडिंग लेगा। यहां पे देखेंगे कनेक्टिंग, यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना। यहां पे देखेंगे पेड कंफर्म सक्सेसफुल, यहां पे मेरा टिकट यहां पे कंफर्म यहां पे हो चुका है। आपको यहां पे कुछ सेकंड वेट करना, यहां पे देखेंगे गाइस यहां पे लोडिंग ले रहा है। यहां पे देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुली, प्लीज वेट। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना गाइस, यहां पे आपको देखने मिलेगा पासवर्ड। इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपको सिंपली अपना आईआरसीटीसी का यहां पे आपको पासवर्ड फिल अप करना। आपका जो भी आईआरसीटीसी अकाउंट का पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को यहां पे आपको फिल अप करेंगे। फिल अप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखनेगा कैप्चा। इस कैप्चा को इस बॉक्स में सही फिल अप करेंगे। सबसे पहले अपना आईआरसीटीसी का पासवर्ड फिल अप करेंगे, देन उसके बाद यहां पे अपना कैप्चा को फिल अप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना आईआरसीटीसी का पासवर्ड को फिल अप कर लेता हूं। यहां पे अपना आईआरसीटीसी का पासवर्ड और यहां पे अपना कैप्चा को सही फिल अप करने के बाद देन आपको यहां पे नीचे देख मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिखेगा थैंक यू फॉर बुकिंग विद कंफर्म टिकट। यानी आपको यहां पे आपका मैसेज में आपका पीएनआर नंबर भी मिल जाएगा। पीएनआर नंबर जो होता है वो आपका पीएनआर नंबर आपका नंबर पे आ जाएगा, जो भी नंबर दिए होंगे यहां पे। और यहां पे आपको देखने मिलेगा थैंक यू फॉर बुकिंग विद कंफर्म टिकट, यानी मेरा जो है टिकट कंफर्म टिकट यहां पे मेरा बुक हो चुका। उसके बाद यहां पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिल जाएगा आपका नेम। और उसके बाद यहां पे देखेंगे करंट स्टेटस यहां पे कंफर्म है। उसके बाद मेरा कोच जो है S6 है, सीट नंबर 7 है। यहां पे मेरा सारा कुछ यहां पे देख सकते हैं गाइस, जो कि मेरा कंफर्म टिकट हो चुका। और यहां पे कोच नंबर और यहां पे आप सीट भी देख सकते हैं आपका कौन सा सीट मिला है। उसके बाद यहां पे सारा कुछ अपना टिकट यहां पे सारा
आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, आप जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे आपका ईमेल आईडी में आपका टिकट का पीडीएफ को वहाँ पे भेज दिया जाता है। अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड भी करना चाहते हो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद अपना मेल आईडी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक मेल भी आ चुका है कन्फर्म टिकट का, तो सिंपली क्या करेंगे इसमें आपको अपना मेल चेक कर लेना, मेल आईडी आपका जीमेल आपका होगा जो, तो यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि मेरा पे अभी भी यहाँ पे आया। देखें गाइस यहाँ पे मेरा पीएनआर नंबर में देखने मिल रहा है, कंफर्म टिकट है, सारा कुछ देखने मिल जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आप स्क्रॉल आते रहेंगे सारा कुछ यहाँ पे आपको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ भी आ जाएगा सारा। देखेंगे ट्रेन टिकट यहाँ पे पीडीएफ आ चुका है मेरा, इस पीडीएफ को मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली दिखाता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होगा आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे मेरा जो टिकट है कंफर्म टिकट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आसानी से मैं टिकट को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी में आपका पीडीएफ यहाँ पे टिकट आ जाता है। देख सकते हैं मेरा टिकट इस तरह से देखने मिलेगा, मैं इसको आपको पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा इसमें, तो आपको इस तरह से देखने मिल जाएगा आपका टिकट। इस तरह से अपना टिकट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना जरूरी नहीं होता, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं, टीटी को जरूरी नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन टिकट उससे ज्यादा जो ऑफलाइन से ज्यादा आपका ऑनलाइन का होता है, इसलिए अपना मोबाइल से टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से फोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट यानी कंफर्म टिकट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर